यूक्रेन पर रूसी हमले के मंडराते खतरों के बीच वहां की महिलाओं ने हथियार उठा लिया है। अलग अलग पेशे से जुड़ी महिलाएं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो रही हैं। इन्हें बंदूक चलाने से लेकर फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्यादातर महिलाएं अपना काम, घर परिवार और बच्चों को छोड़कर आई है। गंभीर हालत देखते हुए यूक्रेन सरकार ने 20 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया है। 30,000 से ज्यादा महिलाएं यूक्रेन की सेना में पहले से शामिल हैं। पहले भी दिखा चुकी था, यूक्रेन की सेना में 1993 से ही महिलाएं शामिल है। इस दौरान उन्होंने युद्ध के मैदान में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की रक्षा की। अभी यूक्रेन की सेना में करीब 31,000 महिला सैनिक है, इनमें से 1,100 सैन्य अफसर भी है। 13,000 से अधिक महिला युद्ध क्षेत्रों में तैनात हैं। यूक्रेन के सैन्य बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 15% है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद यूक्रेन में महिला सैनिकों की संख्या दोगुनी हुई है। 2014 में ही रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया था। तभी देश की महिला सैनिकों ने रूसी सेना का डटकर मुकाबला किया था। उस समय रूसी हमले में 14,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और नागरिक मारे गए थे, इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं की चिंता की भी वाजिब वजह है। यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ महिलाओं को काफी अधिकार और आजादी दी गई है। दूसरी ओर रूस में लोकतंत्र की जड़ें उतनी गहरी नहीं है, यहाँ महिलाओं को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि महिलाएं रूसी हमला होने की स्थिति में हथियार उठाने को भी तैयार है। दूसरी ओर महिलाएं सोवियत संघ की अपनी बुरी यादों को लेकर भी डरी हुई हैं। महिलाएं वापस उस दौर में नहीं जाना चाहती हैं। इस तरह की और अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।